तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फ्रिज में जो हमने गैस रिस्टोर करी थी, आज मैं उस गैस को वापस इसमें डाल के बताऊंगा। और गैस डालते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। और इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब गैस डालते हैं या डालने से पहले या डालने के बाद या किसी फ्रिज में गैस नहीं है तब फ्रिज के अंदर एम्पियर कितना होता है और एम्पियर के जरिए हम कैसे पता करेंगे कि फ्रिज में गैस है या नहीं है। तो उसके लिए तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एक प्रैक्टिकल पूरा वीडियो जिससे आपको सारी चीजें एक एक स्टेप समझ में आए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने गैस रिस्टोर की है ना उससे हम वापस इसमें डालेंगे, उसे डालने के बाद में कितनी गैस बच जाती है जिसको हमें टॉप अप करना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें करेंगे। तो इसलिए बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से सीखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा एक और नया चैनल है टेक्निकल अरोड़ा जी व्लॉग। यदि आपको व्लॉग वीडियो पसंद आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल के लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो जहां पे मैं अपने डेली लाइफ और डेली शेड्यूल के बारे में बताता रहता हूं और मैं क्या क्या करता रहता हूं दिन भर उसके बारे में बताता रहता हूं। और सारे वीडियो मेरी फैमिली के साथ में है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और उस चैनल पे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गैस तो हमने यहाँ पे रिस्टोर कर ली सारी और अब मैं क्या करूंगा कि इस पाइप को हटा के ये वाली एनआरवी वॉल यहाँ पे लगा दूंगा और हमने जो इस सिलेंडर में गैस रिस्टोर करी है उस गैस को वापिस हम इसके अंदर डालेंगे अभी आपके सामने। तो सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ पाइप को और यहाँ से पहले रिले विले निकाल देता हूँ, वायरिंग हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे ब्रेजिंग करके फिर मैं इस गैस को इसमें डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जाली हटा देता हूँ, उसके बाद ये रिले हटा देता हूँ क्योंकि ये रिले वगैरह हटाना जरूरी है वरना ये जल जाएगी गर्म होके। अच्छा, ये वाली वायरिंग जो है सीधी अंदर से आ रही है तो हम ये नहीं हटा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर ऐसे दबा के रखेंगे ताकि ये गर्म होके खराब ना हो। तो हमने ये वायरिंग इधर दबा दी, अब मैं इसे गर्म करके इसे निकालता हूँ। और ध्यान रखिए कि जब भी एनआरवी वॉल लगाओ तो इसे यहाँ से खोल के इसके अंदर की पिन को जरूर निकाल लो, उसके बाद में आपको इस तरह से निकाल के फिर यहाँ पे इसे लगा लेना है। और एनआरवी वॉल इतनी लंबी लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा छोटा करके लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर लिया है, अब मैं फटाफट इसे गर्म करके निकाल लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी इस पे एनआरवी वॉल और अभी हम यहाँ पे ये वायर वगैरह नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये अभी गर्म हो चुकी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और यहाँ पे अभी ये एनआरवी वॉल जो है गर्म है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें गैस डालेंगे। तो चलिए मैं कपड़ा गीला करके यहाँ पे इसे लगा देता हूँ। तो ये हमने इसे थोड़ा सा ठंडा कर दिया है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी काफ़ी गर्म है ये और ये वायर भी हमारी बिल्कुल सेफ है क्योंकि ब्रेजिंग करते समय जब हम इस ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं ना, ये देखिए ठंडी हो गई, ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है और जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो ये ब्लेड जो है ये प्रोटेक्ट करती है। जब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था आपने देखा कि यहाँ पे ये देखिए पन्नी पड़ी हुई है, ये पन्नी भी नहीं जली, तो अंदर गर्माहट कम जाती है, इसके वजह से गर्माहट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाती है। हाँ, ये कंप्रेसर जरूर गर्म हो जाता है, तो इसके लिए आपका यही इलाज है कि जैसे ही आपकी ब्रेजिंग खत्म हो जाए गीला कपड़ा करके इसको पूरी तरह से अच्छे से इसको ठंडा कर दो, ये आपका कंप्रेसर ठंडा हो जाए। इस तरह से ब्रेजिंग करो तो ये आगे पत्ती जरूर लगा दो, फ्लेम रिफ्लेक्टर गार्ड बोलते हैं इसे, जो ब्रेजिंग टॉर्च पे इस तरह से लग जाती है, तो आप इस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसमें 10 मिनट वेट करूंगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब उसके बाद में फिर हम यहाँ पे रिले विले लगा के इसमें ये गैस डाल देंगे जो हमने यहाँ से निकाली। और एनआरवी वॉल ठंडी हो गई है तो मैं क्या करता हूँ इसमें वॉल लगा देता हूं। ये हमने इसमें वॉल लगा दी और ये वाली वायर भी इसमें लगा देते हैं, और वैसे कंप्रेसर भी ठंडा हो गया है तो ये वाली वायर भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये वाली वायर होती है ग्राउंड, अगर इसकी बॉडी में करंट आ रहा है ना तो ये वाली वायर उसे प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके घर में ग्राउंड मतलब कि जमीन की अर्थिंग दे रखी होगी तो जैसे कि ये तीसरी पॉइंट पे ग्राउंड लगती है और यही वाली वायर है ये यहाँ पे लगी, तो इसी वायर की मदद से इस बॉडी में करंट नहीं आता, फ्रिज की बॉडी में करंट नहीं आता। चलो अब मैं ये रिले भी लगा देता हूँ क्योंकि ठंडा हो चुका है ये, उसके बाद लगा देता हूँ ये गार्ड। ये लगा दिया हमने यहाँ पे रिले गार्ड और ये हमारी एनआरवी यहाँ पे लग गई, इसे आप थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं। अब मैं उसमें ये गेज मीटर की पाइप लगा देता हूँ और उसके बाद मैं ये वाली पाइप मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि हमारा फ्रिज वैक्यूम हो जाए। और यहाँ से मैं ये गेज मीटर खोल देता हूँ क्योंकि हमें इस फ्रिज को पहले वैक्यूम करना है, उसके बाद में हमें इसमें गैस डालनी है और इसे हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वैक्यूम पे लगा के रखना है। तो चलिए मैं चालू कर देता हूँ। तो ये मैंने वैक्यूम चालू कर दिया है, ये देखिए
तो इसमें से प्रेशर निकल रहा है, अच्छा खासा वैक्यूम होएगा ये। और ये देखिए जीरो से नीचे आ गया, माइनस में जा रहा है ये। तो दोस्तों जब भी आप फ्रिज में गैस भरो, किसी भी फ्रिज में, यदि उसका कंप्रेसर चेंज कर दिया है तब गैस भरो, या ये ड्रायर चेंज कर लिया है तब गैस भरो, तो गैस भरते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं तो हमेशा अंदर से कूलिंग कॉइल को ब्रेजिंग टॉर्च के जरिए हल्के हल्के गर्म करते रहो, ताकि जो हम गर्म कर रहे हैं उस गर्माहट की वजह से जो मॉइस्चर है कूलिंग कॉइल के अंदर वो भाप बन के वैक्यूम के जरिए बाहर निकल जाए। तो ये आपको सेल्फ वैक्यूम में हमेशा ध्यान रखना है। कई बार समस्या ये आती है कि आपने वैक्यूम तो कर लिया, लेकिन जब आप गैस डालते हो तो गैस पहले तो आपको सही दिखाता है, लेकिन कुछ देर के बाद में वो गेज मीटर में माइनस में चला जाता है। इस तरह से माइनस में चला जाता है, आप जितनी भी गैस भर रहे हो उस तरह उस टाइम पे वो माइनस में चली जाएगी। तो उसका प्रॉब्लम यही होता है कि आपने वैक्यूम तो कर लिया लेकिन उसके अंदर का मॉइस्चर नहीं निकला, तो मॉइस्चर की वजह से गैस एक जगह पे जाके रुक जाती है, बर्फ बन जाती है, फ्रिज हो जाती है, उसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो उस केस में आपको वैक्यूम कैसे करना है, कूलिंग कॉइल को अच्छे से गर्म कर लेना है ब्रेजिंग टॉर्च से, और उसको वैक्यूम पे लगा के रखना है। जब आप वैक्यूम पे लगा के रखे उसी दौरान कूलिंग कॉइल को अच्छे से गर्म कर लेना है, ताकि जितनी भी मॉइस्चर है वो गर्म भाप बन के वैक्यूम के जरिए बाहर निकल जाए। आप सेल्फ वैक्यूम भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया वैसे, और मैं तो यहाँ पे इस पुराने कंप्रेसर से वैक्यूम कर रहा हूँ, तो इसे मैं वैक्यूम पे लगा के रखा हूँ, तकरीबन 10-15 मिनट तक मैं वैक्यूम करूंगा। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे गैस रिस्टोर करी है इस सिलेंडर के अंदर, वो गैस को मैं अब इसके अंदर डाल के बताऊंगा। ये वैक्यूम हो चुका है पूरा, तो अब इसके अंदर कोई भी एयर नहीं आ रही है, देखिए पूरी माइनस में चली गई। अब मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ से पाइप खोल देता हूँ, और ये मैंने इसे भी बंद कर दिया। अब मैं ये वाला सिलेंडर इसमें लगा देता हूँ, ये मैंने टाइट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से इसे खोल देता हूँ, ये मैंने खोल दिया। उसके बाद मैं इस पाइप में से थोड़ी सी गैस निकाल देता हूँ ताकि एयर हमारी निकल जाए, ये निकल गई। और उसके बाद मैं इसे यहाँ से खोल देता हूँ। अब इस टंकी में जितनी भी गैस थी वो सारी की सारी इसमें चली गई, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना है, जितनी गैस जाएगी उतनी चली जाएगी, और जैसे ही हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर बाकी की गैस को अंदर सक कर लेगा, मतलब अंदर की तरफ खींच लेगा। देखिए अब इसमें जो है 20 PSI तक जो है प्रेशर बता रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि फ्रिज को चालू कर देता हूँ ताकि ये गैस जितनी भी है वो अंदर को खींच ले। तो मैं यहाँ से इसे प्लग इन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो सारी की सारी गैस वो अंदर की तरफ खींच लेगा। देखो कंप्रेसर चालू हो गया है और गैस देखो धीरे धीरे जो है जीरो के पास तक चली जाएगी, और हो सकता है कि जीरो से नीचे भी जाए। एक बार का तो जीरो से नीचे भी जा सकती है, लेकिन कुछ देर के बाद में ये जीरो से 10 के बीच में इसका प्रेशर आ जाएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो मुझे क्या लगता है कि इसके अंदर गैस थोड़ी कम है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसे टॉप अप कर लूंगा, क्योंकि गैस जो है जब हम रिस्टोर करते हैं तब 5-10% गैस वेस्ट होती होती है, तो उस समय आपको टॉप अप ही करना पड़ेगा। तो अभी चलिए मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ और अब मैं इसे थोड़ा सा टॉप अप कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये देखिए बिल्कुल खाली हो गया ये। अब मेरे पास में है ओरिजिनल गोदरेज की गैस R134A, ये मैंने इसमें लगा दी, ये मैंने यहाँ से एयर छोड़ दी, और मैं अब इसे टॉप अप करूंगा। जैसे ही इसका बैक प्रेशर 0-10 के बीच में आएगा मैं उस समय टॉप अप करना छोड़ दूंगा। तो अभी मैंने एक बार गैस छोड़ी है, तो अभी मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा और कूलिंग चेक करूंगा कि कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी देखिए 10 और 0 के बीच में ही है ये, मतलब कि 10 से थोड़ा सा ज्यादा नीचे है और 0 से थोड़ा सा ऊपर है। हम एक बार और छोड़ते हैं, अब मैंने एक बार और छोड़ा है, अब देखिए गैस जो है 10 और 0 के बिल्कुल बीच में ही आने वाली है, बिल्कुल बीच में देख रहे हो। अभी ये 10 से थोड़ा सा नीचे है और 0 से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, मतलब ये पूरा 10 के ऊपर भी नहीं है। तो चलो मैं कूलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ, कूलिंग आई या नहीं आई, मेन तो कूलिंग आना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं कूलिंग चेक कर लेता हूँ अंदर, और ये देखिए कूलिंग की जो है आवाज आ रही है मेरे को, और हाँ बिल्कुल कूलिंग भी आने लग गई, आवाज आ रही है, गैस दौड़ने की आवाज आ रही है, और कूलिंग कॉइल जो है बिल्कुल चिल्ड हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बर्फ जम रही है, ये देखो बर्फ जमने लग गई। तो इसमें कूलिंग आ गई, अच्छे से कूलिंग आ गई इसके अंदर, तो ये ठंडा होने लग गया। तो इसमें गैस भी हमने टॉप अप कर ली, और हमारे गेज मीटर की जो सुई है 0 और 10 के बिल्कुल एज इट इज बीच में है, बिल्कुल बीच में। इसका मतलब ये है कि ये अब प्रॉपर तरीके से कूलिंग हो चुकी है इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इस कैन के इस वाल को मैं बंद कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से बंद कर दी। अब थोड़ी सी बची हुई गैस जो है वो मैं इसमें डाल देता हूँ, तो ये बची हुई गैस भी चलेगी, लेकिन ये वापिस है ना जो 10 से नीचे आ जाएगा। ये अभी हमारा यहाँ पे पूरा काम कम्प्लीट हो गया है, ये देखिए 10 से नीचे आ गई है थोड़ी सी सुई, और थोड़ी देर में ये नीचे आ जाएगी। चलिए अब मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ, ये मैंने निकाल दिया है। उसके बाद में आपको इसका ये कैप
लगा लेना है और कैप लगाते समय ध्यान रखना है कि इसके अंदर इसका ये जो ब्लैक कलर का वॉशर है ये होना चाहिए इसके अंदर, और उसके बाद आप इसे आराम से इसे बंद कर देंगे टाइट ताकि यहाँ से गैस जो है बाहर ना निकले, और इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ बैंड कर देंगे ताकि ये किसी चीज से डैमेज ना हो। और हमेशा ध्यान रखिए गैस ओरिजिनल इस्तेमाल करिए, गोदरेज की या फ्लोरॉन की, हमेशा ओरिजिनल गैस इस्तेमाल करिए। ये गोदरेज की है, आप चाहो तो इसमें फ्लोरॉन की गैस भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अदर कंपनियों को मत इस्तेमाल करिए क्योंकि पता नहीं कौन सी कंपनियां क्या भर के देती है। और कई बार हम अलग अलग गैस का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी जो है फ्रिज प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं होता है। तो रुको रुको, अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ और चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने इसमें गैस भर दिया और थोड़ी सी गैस कम थी, तो मैंने इस कैन के जरिए टॉप अप भी कर दिया और अब ये जो है प्रॉपर कूलिंग कर भी रहा है। अब यहाँ पे आपको कई चीजों का ध्यान भी रखना है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में एम्पियर चेक नहीं किया, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे चेक करेंगे और क्या क्या पता चलता है एम्पियर चेक करने से। तो यहाँ पे हमने जो गैस भरी है ना, वो रिस्टोर करी भी गैस को ही वापस भरा था, उसमें थोड़ा कम पड़ गया इसलिए हमने टॉप अप किया। यदि आप में से कोई कंप्लेंट पे जाता है, जिस फ्रिज में गैस निकली भी है उस फ्रिज में अगर आप गैस डाल रहे हैं, तो गैस डालने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको उसको ये चेक कर लेना कि गैस कहाँ से लीक हुई है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। दूसरा, यदि अगर गैस चोक है, अगर आप ड्रायर चेंज कर रहे हैं, तो ड्रायर चेंज करने से पहले हमेशा कंडेंसर को अच्छे से फ्लश करना है और कैपिलरी को अच्छे से चेक करना है, कैपिलरी ब्लॉक तो नहीं है, उसी के बाद में ड्रायर चेंज करके उसमें गैस डालें। और गैस डालने से पहले जब आप उसे वैक्यूम करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि कूलिंग कॉइल को हल्का हल्का गर्म कर लीजिए, अगर उसमें कोई मॉइस्चर होगा तो वैक्यूम के जरिए भाप बन के निकल जाएगा। इससे कि गैस जो है डालने के बाद में इसमें चौक नहीं होगी, फ्रिज नहीं होगी, क्योंकि कई बार गैस जो है वो जम जाती है, जिसके वजह से वो गैस सर्कुलेशन नहीं बनाता और जो बैक प्रेशर है वो माइनस में चला जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। या फिर आप नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। तो उसके लिए तो आपको एक बड़ा सिलेंडर लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर आता है, क्योंकि वो 2-3 किलो गैस उसमें मिलती नहीं है। अगर आप सोचे कि इस तरह का छोटा सा कैन मिल जाएगा फ्लश करने के लिए नाइट्रोजन का, तो इस तरह का कैन नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होती है और खतरनाक गैस भी होती है। तो यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और यदि आप में से कोई नया है इस चैनल पे, तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी, और ये एक ही बार करना है, बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।